अमेरिकी दौरे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि राहुल गांधी अमेरिकी दौरे पर हैं। दो दिन राहुल गांधी वॉशिंगटन डीसी में रहेंगे। राहुल गांधी दो दिन के लिए वॉशिंगटन डीसी में रहेंगे। भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत भी करेंगे राहुल गांधी। बता दें कि राहुल गांधी अमेरिकी दौरे पर गए हैं। कई महत्वपूर्ण बैठकों में हिस्सा लेंगे राहुल गांधी अमेरिका में। बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी अमेरिकी दौरे पर रहेंगे, वहां दो दिन के लिए वॉशिंगटन डीसी में रहेंगे। बता दें कि यहां मुद्दों पे बात करने के लिए गए हैं अमेरिका। लखनऊ से बड़ी खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ का आज का कार्यक्रम। बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ 73वीं अखिल भारतीय पुलिस रेसलिंग क्लस्टर का उद्घाटन करेंगे आज। उद्घाटन समारोह में सम्मिलित होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आज सीएम योगी आदित्यनाथ सुबह 10 बजे 35वीं बटालियन पीएससी में कार्यक्रम होगा, जहां पर ये उद्घाटन करेंगे। आईकिया स्टोर के शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। वर्चुअल माध्यम से सम्मिलित होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बता दें ये बड़ी खबर, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ के आज का कार्यक्रम आ गया है। 11:30 बजे से 5 बजे तक कालिदास मार्ग पर उपस्थित रहेंगे। ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं आज के कार्यक्रम सीएम योगी आदित्यनाथ के, जहां 73वीं अखिल भारतीय पुलिस रेसलिंग क्लस्टर का उद्घाटन करेंगे। ये उद्घाटन वर्चुअल तरीके से करेंगे। 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें कि 69,000 शिक्षक भर्ती से बड़ी खबर। शिक्षक भर्ती पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों ने दी ये अर्जी, जिसमें आज सुनवाई होनी है। 69,000 भर्ती शिक्षक भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों की याचिका पर आज सुनवाई होनी है। दिल्ली हरियाणा चुनाव के लिए कांग्रेस की दूसरी सूची जारी हो गई है। आपको बता दें कि दिल्ली हरियाणा चुनाव में दूसरी सूची जारी हो गई है। कांग्रेस पार्टी ने 9 और प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। थानेसर विधानसभा से अशोक अरोड़ा कांग्रेस प्रत्याशी बनाए गए हैं। बता दें कि कांग्रेस ने तोहना विधानसभा से परमवीर सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है। कांग्रेस की सूची जारी हो गई है। बादशाहपुर से विधानसभा से, बता दें कि बादशाहपुर विधानसभा से वरदान यादव को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है। इसके साथ गुरुग्राम विधानसभा से मोहित ग्रोवर को अपना प्रत्याशी बनाया है। कानपुर से बड़ी खबर, एक बार फिर रेल दुर्घटना की साजिश रची गई है। कानपुर में अनवरगंज कासगंज रेलवे रूट पर सिलेंडर रखा गया, रेल दुर्घटना कराने की साजिश रची गई। ट्रैक पर रखे एलपीजी गैस सिलेंडर से टकराई कलिंद्री एक्सप्रेस। ट्रेन से टकराने से हुआ धमाका, लोको पायलट ने रोकी ट्रेन। बता दें ये साजिश रची गई थी ट्रेन हादसा कराने के लिए। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे रेलवे के अधिकारी। आरपीएफ जीआरपीएफ पूरे मामले की जांच में जुटी। एक बड़ी दुर्घटना कराने की साजिश कानपुर में जो एक बार रची गई है फिर से। लखनऊ से बड़ी खबर, योगी सरकार के टीकाकरण अभियान का दिखा असर। बता दें कि योगी सरकार में अभियान से प्रदेश में नवजात शिशु मृत्यु दर में कमी आई है। इस अभियान से देखा गया है कि 3 साल में 1 लाख से ज्यादा शिशुओं को लगातार टीके लगाए गए, जिसमें शिशुओं के मृत्यु दर में कमी आई है। 100% नियमित टीकाकरण से 77 लाख से ज्यादा बच्चों की जान बचाई गई है। बता दें ये योगी सरकार का बड़ा अभियान, जिसका अब असर दिख रहा है। अभियान से प्रदेश भर में नवजात शिशु मृत्यु दर में ये कमी देखने को मिली है। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, जहां 3 मंजिला बिल्डिंग गिरने का जो मामला था, उसमें जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी गठित कर दी गई है। बता दें कि इसकी जांच के लिए 3 कमेटी निर्देशित की गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर ये कमेटी गठित की गई है। हादसे की वजह की तय तक जाने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी को निर्देश दिए हैं। इसके लिए हादसे में 8 लोगों की मौत हुई थी। बता दें कि इस हादसे में 8 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये निर्देश दिए हैं उचित जांच होने के।
इस वक्त की बड़ी खबर, लखनऊ से आ रही है पेशी से भाग जाने वाला आरोपी गिरफ्त में आ गया है। वजीरगंज पुलिस ने राजकुमार को अरेस्ट कर लिया। बता दें कि वो पेशी से भाग गया था, जिसके बाद अब पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। कोर्ट में पुलिस को चकमा देकर राजकुमार भाग निकला था, जिसको अब पुलिस ने पकड़ लिया है। बता दें कि 27 अगस्त को पेशी के दौरान राजकुमार भागा था। राजकुमार कनौजिया को वजीरगंज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जब वो पेशी के दौरान पुलिस को चकमा देकर भाग गया था। मथुरा से बड़ी खबर, सपा सांसद धर्मेंद्र यादव का बड़ा बयान आया है। बता दें कि सपा सांसद का बयान आया है, कहा कि बीजेपी की नीतियों से जनता अब ऊब चुकी है, ये उनका आरोप। इसका परिणाम लोकसभा में भी आया है। भाजपा पर तीखा प्रहार, कहा कि बीजेपी की नीति से लोग ऊब चुके हैं। क्राइम की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है यूपी सरकार में, जिसके बाद अब भाजपा की नीति से लोग ऊब गए हैं। फर्जी एनकाउंटर कर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं भाजपा वाले। सरकार आते ही फर्जी एनकाउंटरों की जांच होगी। सीधा जवाब, कहा कि सरकार आते ही इनकी जांच कराई जाएगी। खिलाड़ी भी देश के नागरिक हैं। उनका कहना कि खिलाड़ी देश के नागरिक हैं, खिलाड़ियों को भी चुनाव लड़ने का अधिकार है। बहुत बद से बदतर हालत कर दी है क्राइम की। फर्जी एनकाउंटर करके अपनी पीठ ठोंक रहे हैं, जबकि एक जाति विशेष के लोग इनकाउंटर कर रहे हैं और अन्य जातियों का कर रहे हैं। मैं समझता हूँ पूरी तरह से लोग आजीज आ चुके हैं सरकार से और इंतजार कर रहे हैं चुनाव का। चुनाव आते ही योगी सरकार की विदाई तय है।